Hi everyone. In the previous video, we discussed about the types of forces. What is force? How many types of forces? That is balance force, unbalanced force, contact force, and non-contact force. We discussed about it, right? But this video, we discuss about the contact force, the basic terms, that is, types of contact force, where the contact force act. That's come to the point directly. Types of force. हमने बहुत सारी इस पर बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता रहे हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ बेसिकली हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स में कुछ टर्म्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो है आपका पहला नॉर्मल फोर्स, दूसरा टेंशन फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, चौथा फ्रिक्शन फोर्स। ये चीजें, इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक चैप्टर मिलेगा हमको, आगे चल के चैप्टर मिलेगा, तो उस चैप्टर में इसके बारे में जितना भी कुछ होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा जो यहाँ ज़रूरत हमको रहेगी उस पर बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, कॉन्टैक्ट फोर्स हमने बताया था, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। उसी कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम यन से डिनोट करते हैं, या टेंशन को टी से करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को एस, या ऐसे कर सकते हैं आप इसको एफ ऑफ एस या एफ ऑफ एस पी, नॉट एस पी पांडे, नॉट एज एस पी, स्प्रिंग फोर्स, ओके। एंड फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एस एफ एस, ऐसे दिखाते हैं। तो इनसे हम इन्हें डिनोट करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसके, हम बात कर लेते हैं अभी जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो फिर वो कहाँ आता है? नीचे आता है, राइट? तो क्यों नीचे आता है, ये सोचने वाली बात है। जैसे देखिए, ये एम ऑफ मास का एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, और ये हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई। अब बताइए ये जो मास है वो क्या करेगा, वो फॉल करेगा, नीचे गिरेगा। दरअसल ग्रेविटी, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको तो हम वेट भी बोल सकते हैं ना, वेट भी बोल देते हैं, वेट। तो उसी वेट से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फॉल करेगा। सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, बिना फोर्स के वो बॉडी मूव नहीं करेगी। कौन सा ला? न्यूटन्स फर्स्ट ला, अभी पढ़ाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट ला। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स लग रही है जो हमें दिख नहीं रही, हिडन फोर्स है वो, ठीक है, वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बॉडी यहाँ से फॉल करेगी, W इज इक्वल टू एम जी, ये आपका हो जाएगा। इस फोर्स से वो बॉडी फॉल करेगी, कहाँ फॉल करेगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड। हम ये नहीं बोल सकते कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा, हम ये बोलेंगे क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ देखिए, सपोज एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो क्या होगा? अब तो वर्टिकली डाउनवर्ड आप कह रहे थे, वर्टिकली डाउनवर्ड अगर ये जाएगा तो नीचे आ जाएगा ना, नहीं, इसको तो अर्थ कहाँ लेके आएगी, सेंटर। यहाँ पर मान लीजिए कोई एम मास का है, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो KGF, या मूवी नहीं, KGF दूसरी होती है, वो बोलते हैं 1 kgf इज इक्वल टू 10 newton या फिर 9.8 newton, अलग अलग होता है, जितनी जी की वैल्यू होगी उतनी पुट करेंगे। जो इसका नॉर्मल फार्मूला होता है, इसका नॉर्मल जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल का, वो होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। अगर दो मासेज हैं, पहला एम वन दूसरा एम टू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो यह फार्मूला लगेगा
एफ इज्कल टू कैपिटल जी एम वन एम टू। बहुत ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आएगा वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। बस हमको इतना जानना है कि कोई भी बॉडी है उसके पास अगर मास है तो उस पर लगता है एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। कितना होता है? एम जी। क्या होता है? एम जी। अब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कितने टाइप से कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं? क्या क्या हमने बताया था आपको? तो पहले जो बताया था हमने आपको वो था नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। चलिए, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। क्या करता है? परपेंडिकुलर एक्ट। सपोज करिए ये एक सरफेस ले लेते हैं, इस सरफेस पे एक बॉडी है एम मास की, एम मास की एक बॉडी है। अभी क्या होगा? सोचने वाली बात है। एम और एम मास की बॉडी है तो सीधी सी बात है इस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट कितना लगेगा? डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। क्या ये बॉडी गिर रही है? क्या ये बॉडी गिर रही है? नहीं गिर रही है। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स है जो उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है, बैलेंस कर रहा है, राइट? तो वो फोर्स क्या कौन सी है? वो फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? नॉर्मल फोर्स। कौन सी फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ओके? दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और इस एम मास के ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल पे, राइट, किसी सर्कल पे हम लग देते हैं। मान लीजिए ये सर्कल हो गया, इस सर्कल पे ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, राइट? अब इस पर नॉर्मल फोर्स आप ड्रा करो तो जो इसका नॉर्मल फोर्स होगा वो इसके सेंटर से होके जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स होगा, राइट? अगर यहां पर एम ऑब्जेक्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट है तो इस पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा? जो इसके सेंटर से होके जाए। ये याद रख लीजिए, जब भी किसी सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट होगा और उस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो वो नॉर्मल फोर्स इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ओके? दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें कि जैसे ये बॉडी है, बॉडी इसका वेट लगा कितना? W इक्वल टू एम जी। और इस बॉडी पर ये सरफेस ने क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लगाया एंड परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, कहां पर? अपवर्ड पे। सेम इस सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट भी इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, बिकॉज फोर्स ऑलवेज अकर या ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कौन सा ला? न्यूटन्स थर्ड ला। न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर, ये सरफेस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है तो ऑब्जेक्ट भी सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब ये मत कह देना दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं। कैंसिल कब होते हैं? जब एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस अपोजिट लगते हैं, राइट? पर यहां तो दो बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं ना, सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगाया, ऑब्जेक्ट सरफेस पे लगाया। एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट है एम मास का ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा इसको। इस पे आपने क्या किया? इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, ओके? दूसरा फोर्स भी लगा इस पर 15 न्यूटन का। ये देखिए यहां भी दो फोर्सेस लगे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है तो ये फोर्सेस दोनों इक्वल लग रहे हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल होगा। बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी? रेस्ट में। बॉडी मूव नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल बदलने जा रहा हूं। एक बॉडी दूसरी बॉडी, दोनों का कांटेक्ट होता है। पहली बॉडी, फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी, ये मूव करेगा। दूसरी बॉडी, ये बॉडी बॉडी पहली वाली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी, ये मूव करेगा। यहां देखो जो बता रहा था हमने कि सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगाया, ऑब्जेक्ट सरफेस पे लगाया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं। यहां देखिए फर्स्ट बॉडी ने दूसरी वाली से, कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, कार ने ट्रक को धक्का मारा,
ट्रक ने कार को धक्का मारा, तो क्या दोनों रुक गए? नहीं, ट्रक उधर जाए, कार इधर जाएगा। दो बॉडी जब एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल टकराते हैं आकर के, राइट, तो ये पहली बॉडी जो फर्स्ट बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, तो दोनों का फोर्स खत्म नहीं होता, ये उस पर अप्लाई करा वो उस पर, वही चीज है। ये सरफेस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स, ऑब्जेक्ट सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं होंगे। ओके, एक एग्जाम्पल आओ देख लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, यहां पर एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर नॉर्मल फोर्स दिखाइए आप, तो नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा? एन लगेगा। कौन लगाया? सरफेस ने लगाया। किस पर लगाया? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट भी लगाएगा किस पर? सरफेस पर, नॉर्मल फोर्स, राइट, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे वाले टर्म्स की। कौन सा टर्म्स? टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। देखिए टेंशन फोर्स कहाँ एक्ट करता है? कहीं पर क्या हो, स्ट्रिंग हो, रॉड हो या चेन हो, समझा ना, स्ट्रिंग हो, रॉड हो या फिर क्या हो, चेन हो, तो वहां पे जो फोर्स एक्ट करती है उसको बोलते हैं क्या? टेंशन फोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग एम मास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? हैंगिंग कर रहा है। सोचिए एम मास का ऑब्जेक्ट है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, इसका वेट वर्टिकली कहाँ पर? सेंटर ऑफ द अर्थ या डाउनवर्ड आप कह लो, नॉर्मली कह सकते हो, लेकिन होता है कहाँ पर? सेंटर टुअर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। अब सोचो क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ये फॉल करेगा, ये नीचे आएगा ऑब्जेक्ट? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? टेंशन फोर्स, जो स्ट्रिंग में लग रही है। अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओनली स्ट्रिंग लगाते, तो आप देखोगे स्ट्रिंग में कोई टेंशन होता नहीं है, राइट। लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सीखने का, ओके। तो अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं। जैसे ही एम मास का ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो इस स्ट्रिंग में तनाव आता, टेंशन मतलब तनाव, तो वो जो टेंशन होता है वो कहां लगता है? अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। टेंशन कहां लगता है? टेंशन इज ऑलवेज अवे, अवे फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो टेंशन होता है ये ऑब्जेक्ट से अवे होता है। अगर आपको यहां टेंशन ड्रा करना है, यहां पर दिखाना टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन, तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखिए ये एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने क्या किया? एफ फोर्स अप्लाई किया। आप खींच रहे हो, आपने किस पर फोर्स अप्लाई किया? स्ट्रिंग पे। आपने स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया, खींच रहे हो आप इसको, तो स्ट्रिंग क्या करेगी? स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को खींचेगी किस फोर्स से? टेंशन फोर्स से। कहां होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। कहां होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। ओके, बचपन में बहुत खेला होगा आपने, साड़ी के डिब्बे, मिठाई के डिब्बे होते हैं, तो उन डिब्बों को क्या करते हैं? हम धागा बांध के खींचते हैं। वही चीज हम आपको बता रहे हैं, जो हम धागा बांध के खींचते हैं मिठाई के डिब्बे को, सोचिए मिठाई का डिब्बा ओनली, ठीक है, वही मिठाई का डिब्बा है, और आप उसको धागे बांध के खींच रहे हो, राइट। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप पर फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा है, और उसी मिठाई के डिब्बे में किसी ने कुछ पत्थर, ईंट, मिट्टी डाल दिया डिब्बे में, अब उसका वेट क्या करेगा? बढ़ जाएगा। अब आप खींचोगे तो देखोगे रस्सी में तनाव आके लगेगा, अब टूट जाएगी, अब टूट जाएगी, अब टूट जाएगी, मतलब उसमें स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग मतलब वो धागा जो था उसमें क्या आ गया? टेंशन आ गया। कितना टेंशन आ गया? ड्यू टू द मास, मास की वजह से जितना मास होगा उतना टेंशन उसमें आएगा। दूसरी चीज आप कह सकते हो टेंशन की डायरेक्शन के लिए हमने कहा ना ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से दूर होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, एक एग्जांपल आओ दिखाते हैं। ये देखिए दो मास लेते हैं एमएमन, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, नहीं टट्टर, उसके पीछे टाली, टट्टर और टाली, टट्टर को खींचे एफ फोर्स से। किस फोर्स से खींच रहे हो? एफ फोर्स से खींच रहे हो।
अब देखो टेंशन का डायरेक्शन सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखो, एकदम इजी बता रहा हूँ। एक और सीख लो, फाइट, क्या बोलते हैं इसको, फाइट बोल लो या अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट या फाइट कॉन्सेप्ट? फाइट वाले फाइट समझे, अम्ब्रेला वाला अम्ब्रेला समझे, जो समझ में आए, जिससे समझ में तुमको आए उसी से समझा करो, ठीक है। फाइट कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले इसको क्लियर कर दे। बैठो फाइट, मारो फाइट यहाँ पर, राइट। तो कहाँ फाइट कर रहे हो, आगे पुश कहाँ कर रहे हो, आगे की तरफ, राइट, जहाँ हो उसके ठीक सामने की तरफ। अच्छा, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, छाता लिया, खुला, सामने की तरफ खुल गया, बस हमको यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है। फाइट मारो, आगे आएगा, छाता खोलो, आगे आएगा, यहाँ पर बैठ जाओ। फार्मूला लगाओ, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, यहाँ छाता खोलोगे, बैठ करके सामने की तरफ बैठोगे तो खोलोगे, इधर खुल जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप हो, ठीक, कॉन्सेप्ट लगाओगे, खुल जाएगा छाता, जहाँ पर भी आप रहोगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिखाते हैं हम आपको, सपोज आप यहाँ बैठे हो, आप ही हो ना, देख लो, आप ही तो लग रहे हो, आप ही हो। तो आप यहाँ बैठे हुए हो, अब आपको क्या करना है, छाता खोलना है, खोलोगे तो अटेंशन की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, यहां बैठ जाओ, यहां से छाता खोलो, इधर खोलोगे, ये हो गई डायरेक्शन। यही यहां बैठ जाओ, टेंशन डायरेक्शन बता रहे भाई आप, तो अब बताओ यहां बैठ करके छाता खोलोगे, कहां खोलोगे, अवे द पॉइंट, इससे समझ में आए, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट इससे समझ में आए, जिससे समझ में आए उससे समझो यार। तो कहां खोलोगे, ये खोलोगे टेंशन। अब देखो कुछ और चीजें बताने जा रहे हैं, ध्यान देना, टेंशन की डायरेक्शन लगाने आ गई। देखो इस टेंशन का नाम क्या दोगे, चलो ये इसका नाम दे दो टी, इसका क्या नाम दोगे टी वन, इसका क्या नाम दोगे टी वन, पूछो क्यों, पूछो भाई क्यों, व्हाट आर द रीजन दैट टी एंड टी वन टी टू, ये टेंशन बदल गया। एक लाइन याद कर लो, व्हेन स्ट्रिंग चेंज, व्हेन स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, टेंशन चेंज, स्ट्रिंग चेंज हो गई, स्ट्रिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, तो टेंशन भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। व्हेन स्ट्रिंग रिमेन, टेंशन ऑलवेज रिमेन, व्हेन स्ट्रिंग चेंज, टेंशन इज ऑलवेज चेंज। टेंशन बहुत टेंशन देता लाइफ में, तो टेंशन सीखने का, पगलाने का नहीं। देखो ये जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इजी वे में समझाते हैं माँ बाप को, बहुत आसान तरीके से। सपोज कर लो भैया तुम ये हो, ये तुम हो, फोर्स तुम हो, यहाँ पर तुम खुद हो, सपोज कर लो, ठीक है, थोड़े मोटे हो तो मोटे बना दिया मैंने, मोटे, या अब तुमको खींचना है ये पहले वाले ऑब्जेक्ट को, राइट, टट्टर को खींचना है, टाली को खींचना है, पहले मिठाई के डिब्बे को खींचना है, दूसरे मिठाई को डिब्बे को खींचना है। अगर ये दूसरा वाला डिब्बा ना होता तो आप इसको आसानी से खींच ले जाते, राइट। जैसे हम लोग गांव में हेंगी टाइप होता है ना, उसको खींचते हैं, राइट, कुछ भी खींचते हैं, तो अगर उस पर लोड ज़्यादा होता है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर लोड कम है तो फोर्स कम लगेगा, सीधी सी बात है भाई। तो अगर ये बॉडी, ये बॉडी ना रहती तो इस पर टेंशन क्या होता, अलग होता, इस बॉडी की वजह से इसका टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, आप पर लोड बढ़ जाएगा, आपका फोर्स बढ़ जाएगा, तो इस बॉडी की वजह से ये टेंशन आ रहा है, इस बॉडी की वजह से ये टेंशन आ रहे हैं स्ट्रिंग में, राइट। अगर ये बॉडी ना होता तो ये टेंशन ना होते, तो बताओ इससे इसका कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। तो ये अलग होगा, ये क्या होगा, अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे। When the string is changed, tension is also changed. आप सीधा इसको कर सकते हो, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है, तो आप ये कर सकते हो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग हो, अगर वो बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगा, अगर स्ट्रिंग नहीं बदलेगी तो टेंशन नहीं बदलेगा। ये देखिए, ये दूसरा स्ट्रिंग था, ये दूसरा स्ट्रिंग है, बिल्कुल। अभी आप यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्ट लगा लो, ये तीसरा ऑब्जेक्ट मान लो M3 आपने लगा दिया, अब यहाँ पर टेंशन क्या होगा बता, टेंशन, तो ये टेंशन क्या होगा, T2 होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर टेंशन ड्रा करना है, ये हो गया T2, इस पॉइंट पर टेंशन ड्रा करना है T2, राइट। तो ये स्ट्रिंग सेम T2, ये स्ट्रिंग सेम T1, ये स्ट्रिंग सेम T, बट तीनों अलग अलग हैं, तो इसलिए अलग अलग इनका नाम दिया गया है, ओके। चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें और नहीं करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स आपको हम देते हैं, वहाँ पर
आपकी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी है वो सब क्लियर हो जाएगी। देखिए आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है, वो याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ अम्ब्रेला या फिर अवे फ्रॉम द पॉइंट। ओके चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक सरफेस, इससे एक स्ट्रिंग से एम मास के ऑब्जेक्ट को लाइक कर दिया, चलिए एम वन ले लेते हैं इसको। एक दूसरी स्ट्रिंग से दूसरा मास एम टू ले लेते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके क्या करना है आपको, आपको इस फिगर में टेंशन को मार्क करना है। इजी है, बिल्कुल इजी है, कहीं भी टेंशन मार्क करो। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ मार्क कर लो, वो क्या कि इसका वेट, वो तो लगेगा ना, W इज इक्वल टू एम जी या एम ऑन जी कर लीजिए इसको, राइट। इसका वेट मार्क कर लीजिए, W इज इक्वल टू एम टू जी। ओके मार्क हो गया, वेट क्लियर। अब टेंशन की बात करते हैं। चलो भैया कहाँ से टेंशन शुरू करें, ये बॉडी इस पर टेंशन लगेगा, चलिए इस बॉडी पर टेंशन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एक टेंशन तो इस स्ट्रिंग से लगेगा टी, एक टेंशन इस स्ट्रिंग से लगेगा टी, बट ये देखिए ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो दोनों टी टी नहीं हो सकते, चेंज होगा। चलिए इसको टी वन कर लेते हैं, राइट, इसको टी कर लेते हैं। अच्छा एक टेंशन यहाँ लगेगा टी, ये स्ट्रिंग सेम, स्ट्रिंग सेम, टेंशन इज सेम, क्लियर। चलिए बहुत इजी में बता रहे हैं कि स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, स्ट्रिंग पर टेंशन टी एंड टेंशन टी। अभी देखो हमने बताया था छाता कॉन्सेप्ट, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जो होता था, हमने आपको यहाँ पर आप बैठोगे छाता खोलोगे ऊपर की तरफ, यहाँ बैठोगे छाता खोलोगे इधर की तरफ, यहाँ बैठोगे छाता खोलोगे सामने की तरफ, यहाँ बैठोगे छाता खोलोगे कहाँ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, यहाँ बैठ के जब छाता खोलोगे तो यही तो आएगा, ये स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, टी वन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो यहाँ की बात कर लो, यहाँ बैठोगे टी टू, यहाँ बैठोगे टी टू, है ना बिल्कुल इजी, राइट। एक लाइन याद करना है, जहाँ पर भी टेंशन ड्रॉ करना है वहाँ बैठ जाओ, छाता खोल दो, फाइट मार दो, जो समझ में आए उससे कर लो, टेंशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, अभी लिख लो, पेन कलम उठाओ तुरंत लिख लो उसको, व्हेन द स्ट्रिंग इज चेंज टेंशन इज चेंज, व्हेन द स्ट्रिंग इज नॉट चेंज टेंशन इज नॉट चेंज। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए और उसको मेरे मार्क करने से पहले आप खुद मार्क कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है। आपको नॉर्मल फोर्स मार्क करना है और आपको क्या करना है, टेंशन मार्क करना है, इजी, एकदम इजी दे रहा हूँ, घबराओ नहीं, सीखो, डरो नहीं। ये आपका एक वेज हो गया, वेज डब्लू नाम दे देते हैं, इसको सरफेस पे हमने रख दिया, कहाँ रख दिया, सरफेस पे। इसका कनेक्शन एक ब्लॉक से कर देते हैं, ब्लॉक से, ब्लॉक को भी किसी दूसरे सरफेस से जोड़ दिया, ब्लॉक भी। मैं अभी अगला फिगर बना रहा हूँ, तब तक आप इसमें मार्क कर लो, क्या मार्क करोगे इसमें, क्या लगेगा इसमें, कहीं स्ट्रिंग है, कहीं चेन है, कहीं रॉड है, नहीं तो क्या लगेगा यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स लगेगा, जल्दी से नॉर्मल फोर्स आप करिए। दूसरा दिखाते हैं, ये हो गया आपका, एम ऑन M2, रख लिया हमने, चलिए मार्क कर चुके इसमें, आप नहीं कर पाए, चलिए मैं सिखाता हूँ, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ वहाँ नॉर्मल फोर्स ड्रा कर लीजिए। देखिए ये वेज, वेज जो है सरफेस पे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ये वेज सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स N1 कर ले, ये सरफेस वेज पे भी फोर्स, वेज ने सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाया N1, ये सरफेस वेज पे भी फोर्स लगाएगा N1, एक जगह कांटेक्ट हुआ, नॉर्मल फोर्स ड्रा हो गया, क्लियर। चलो ठीक है भैया, बिल्कुल ईजी है, कोई टफ वाली बातें नहीं है, एकदम आसान, कुछ नहीं है। अब देखो ये वेज ब्लॉक से, वेज क्या है, ब्लॉक से कॉन्टेक्ट में है, तो इस पर लगाएगा नॉर्मल फोर्स N2 लगाएगा। अच्छा वेज ने ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाया N2, N1 N2 इसलिए अलग अलग ये फोर्सेज है, राइट।
अब ये ब्लॉक भी बेस पे क्या करेगा, ब्लॉक ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी बेस पे क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कितना N2। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो जगह हमने देखा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगा दिया, तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ पर है ना, तो ये जो सरफेस है इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा कितना N3 बोल दीजिए, और ये वेज ब्लॉक 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 जो है वो सरफेस पे लगाएगा, किस पर लगाएगा, सरफेस पे कितना लगाएगा, जितना ये लगाया था N3, है ना, ऐसा ही बनाए थे, कुछ और बनाए थे, इजी बिल्कुल, तो इजी तो है, यही बनाए थे, अब मैं देख तो रहा नहीं हूँ लेकिन मैं मानता हूँ कि यही बनाए होंगे। ठीक है, आ जाओ इस पर आ जाओ, टेंशन रिमार्क करते हैं, टेंशन रिमार्क करेंगे भाई साहब, शुरू करते हैं, यहाँ हम बैठे नॉर्मल, यहाँ पर बैठे छाता खोले ऊपर की तरफ T, यहाँ बैठे खोले T, यहाँ बैठे खोले T1, यहाँ बैठे खोले T1, ये मत कहना T2, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर नाम होगा वही यहाँ पर नाम होगा, बिकॉज स्ट्रिंग इज रिमेन, स्ट्रिंग क्या है, रिमेन है, मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, अगर ऐसा है तो बदलेगा नहीं, अगर मास होता फ्रिक्शन होता तो बदल सकता था, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब तक हम पढ़ेंगे 9 to 12 तब तक ये मासलेस ही होगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लगेगा ये हो जाएगा आपका, चलो 2 की बात करें 2 दे देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2, क्लियर, ये दोनों स्ट्रिंग के लिए सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक है, जहाँ ड्रा करना है अवे फ्रॉम द पॉइंट, छाता कॉन्सेप्ट, फाइट मार दो सामने वाले को, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं टफ वाली बात थी, इससे आसान तो फिजिक्स हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ाया हमने आपको, बिल्कुल ईजी, दो चीज़, नॉर्मल फोर्स कैसे रिमार्क करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं, दूसरा टेंशन फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, टेंशन फोर्स देखो जब भी टेंशन की बात आएगी तो रॉड होगा, चेन होगा, ठीक है, स्ट्रिंग होगी, तब आएगा टेंशन फोर्स, अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे 99% आता है, ऐसा है, रेयर केस में कभी नहीं आता, लेकिन जब नहीं आता वो बड़ी चीज़ है, वो बाद में आपको मिलेगी, अब तक जितना भी होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स कैसे ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस तरह से ये N1 लगाएगा ये भी इस पर N1 लगाएगा, बिकॉज फोर्स अकर एग्जिस्ट इन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया गया था, अगर ये फोर्स लगाएगा तो वो भी फोर्स लगाएगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करा तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा, इससे आसान कोई चीज़ था नहीं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।